दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज 27 जनवरी 2021, मैं माइंड श्रीवास्तव, राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय सनातन परिषद, आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं अपने मन का रोष आक्रोश इन बातों को लेकर। कल हमारा 72वां गणतंत्र दिवस था। सारे विश्व की निगाह हमारे भारत के राजपथ पे, दिल्ली पे थी। हम सभी ने बड़े गौरवपूर्ण क्षणों को एक साथ आनंद से मनाने की शुरुआत करी, पर ये आनंद, ये उल्लास, ये राष्ट्रीय पर्व की हमारी मनोभाव किसी भी तरह परवान चढ़ते उससे पहले ही कुछ दंगाइयों ने किसानों के ट्रैक्टर मार्च की आड़ लेते हुए दिल्ली पे धावा बोला। दिल्ली त्राहिमाम कर उठी है, दिल्ली जल उठी, लोग इधर उधर जान बचाकर भागने लगे, लोगों को शरण नहीं प्राप्त हो रही थी। एक नहीं, दो नहीं, दस नहीं, बीस नहीं, पचास नहीं, सौ नहीं, हजारों की संख्या में, हजारों की संख्या में उपद्रवी दिल्ली पे घुसते चले गए। सरकार ने 26 जनवरी के दिन आपको आजादी के साथ अपने आंदोलन को मनाने की, प्रकट करने की, सरकार से अपने किन्हीं भी मुद्दों पे आपके वैचारिक मतभेद उनको प्रकट करने की पूरी आजादी दी। आपको बोला कि हां, आप आइए, शरीक होइए, अपना ट्रैक्टर मार्च निकालिए और हमारे देश को अपने बारे में, अपने विचारों से अवगत कराइए। पर यह वैचारिक मतभेद का सवाल नहीं था, पर यह सवाल किन्हीं मुद्दों पे बिल की वापसी को लेकर के नहीं था। जो कल हुआ उसको देख करके तो यह लगता है कि ये सोची समझी साजिश के बतौर भारत और भारत की चुनी हुई सरकार को नीचा दिखाने की कोशिश थी। इसमें जो लोग भी संलिप्त थे उनके बारे में जांच हो रही है, जांच में जिनके भी नाम सामने आएंगे, मैं उनके नाम लेने से बेहतर है कि अंजाम को आप सबके साथ आगे जल्दी ही डिस्कस करूंगा। लेकिन मैं उन सबसे एक बात जरूर पूछना चाहता हूं कि वो नमक किस मिट्टी का खाते हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह या भारत सरकार, इनसे आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, किसी भी बिल को लेकर के कोई भी किसी भी प्रकार की वैमनस्यता प्रदर्शित करने के लिए आपने आम जन को, आम पुलिस वालों को इस तरह से प्रताड़ित किया, नंगी तलवारें लेकर के, रॉड लेकर के, लाठी डंडे लेकर के, पब्लिक की जो मेहनत की कमाई से एकत्रित हुआ टैक्स है उससे जो सुविधाएं आपको दी जाती हैं सड़कों के रूप में, बैरिकेटिंग्स के रूप में, सुरक्षा के रूप में, उन सबको तहस नहस करने चले। और वो तहस नहस करने चले उन किसानों के आड़ में जो अन्न देता है, यानी कि वो जनता भी आपको रास नहीं आई जिसकी मेहनत की कमाई से ये देश चमकता है, वो अन्नदाता जिसकी तरफ से आप खड़े होने का दावा करते हैं, उनका त्याग भी, उनके लिए खून पसीने से उपजाई हुई अन्न की कोई कीमत नहीं आपकी निगाह में, इस देश से ऊपर हो गया, हमारे तिरंगे से ऊपर हो गया, हमारे संविधान से ऊपर हो गया। तो यदि आप ये सोचते हैं कि ये किसी भी प्रकार का नंगा नाच करके आप देश की संप्रभुता पे एक दाग लगा के शांति से मुस्कुराते हुए, टहलते हुए बच के निकल जाएंगे, तो यह संभव नहीं।
मेरे मन में जो आक्रोश है उस आक्रोश को शब्दों में तो मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि यदि वो मैंने अपने शब्दों की मर्यादा को जरा सा भी लांघा तो बहुत से लोग बहुत सारी बातें करेंगे, पर शब्दों की मर्यादा से भी आगे बढ़ गई आपकी कर्म की मर्यादा। कल आपके कर्मों ने एक मर्यादा को लांघ दिया। मैं पूछना चाहूंगा किसानों के उन नेताओं से जिन्होंने 26 जनवरी का दिन मुकर्रर किया, इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये कह रही थी, पुलिस आपसे कह रही थी कि आप श्रीमान कोई और तारीख कोई और समय सुनिश्चित करें, हम आपका सहयोग करेंगे, पर आपने जिद रखी कि नहीं 26 जनवरी को ही हम ये रैली निकाले। देखा आपने इस रैली का क्या अंजाम हुआ। अब आप कह रहे हैं कि ये कुछ बाहरी तत्व घुस गए थे, तो मान्यवर यही तो बात कही जा रही थी कि आपके इस नासमझी का खामियाजा देश को भुगतना पड़ेगा, और देश ने भुगता अपनी मान सम्मान पे जो आज तक उंगली नहीं उठी थी वो आपके द्वारा आपके लोगों के द्वारा उठाई जाना संभव हो गया। जब आपके पास कंट्रोल नहीं था, कमांड नहीं था, आपके पास किसी भी तरह का कोई फिल्टर प्रोसेस नहीं था जिसमें आप अपने लोगों को उपद्रवियों से अलग कर पाते, तो आपने इतने बड़े आयोजन को ऐसे क्रूशियल तारीख में रखने की क्यों सोची। क्या ये शक को उत्पन्न नहीं करता कि हो सकता है सम मनी बैग्स आर प्रोवाइडेड टू यू, क्योंकि देश की संप्रभुता में माननीय टिकैत जी ने कहा था ना कि हम इस पर्व को मनाने के लिए ट्रैक्टर मार्च निकाल लें। वाह क्या खूब मनाया आपने इस पर्व को। आपके इस पर्व को मनाने का अगर ये तरीका है तो मेरे ख्याल से एक देशद्रोही, एक गद्दार, वो शायद आपकी निगाह में आपका अपना हो, क्योंकि कर्म जैसे होते हैं संगत वैसी ही होती है। सरकार ने आपको लगातार 11 बार 12 बार बुला बुला करके बैठाने की कोशिश करी कि बैठिए एक कमेटी बनाइए, किन मुद्दों पे किन बातों पे आपको प्रॉब्लम है उसका हल निकाला जाएगा, समय निकाला जाएगा, 1.5 साल तक हम मुलतवी करने को रेडी हैं इस बिल को। बिल में खामियां हो सकती है, मैं मान सकता हूं आपकी यहां तक बात कि बिल में कोई खामी हो, कोई कुछ बिंदु छूट गए, तो उन बिंदुओं पे चर्चा करने की जगह आपने इस तरह के नंगे नाच को करना उचित समझा, तो मेरे देश के नागरिक इस संविधान के द्वारा आप भी जवाबदेही के लिए बाध्य हैं। जवाब दीजिए, अन्यथा हमारी जांच एजेंसियां जवाब तो ढूंढी नहीं है। जांच एजेंसियों से निकलने वाले जवाब के बाद ये जनता ये देश शायद आपको माफ न कर पाए। यदि आपसे कोई जाने अनजाने भूल हुई है तो उस भूल को स्वीकारिए और माफी मांगिए इस देश से, इस संविधान से, इस सिस्टम से, इस सरकार से, शायद आपको माफी प्राप्त। आगे मुझे और कुछ नहीं कहना, लेकिन इस आक्रोशित मन में अभी ज्वार कम नहीं हुआ, इस ज्वार से खेलिए मत। जय हिंद।